गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये क्लास फोर्थ की हिंदी फर्स्ट की क्लास है और कल हमने पढ़ा वर्ण विचार, यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ये हमने कल समझा था। आज हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के प्रकार। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आप पहले भी क्लास थर्ड में पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर जो कि अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमें इसके लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और इस हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे जो आ ई ई उ री ए ऐ ओ अंगा और आहा। तो इसके लिए, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और वर्ण के प्रकार हैं दो, स्वर और व्यंजन, जिसमें से आपने अभी स्वर के बारे में सुना और समझा कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने ये दिया हुआ है, स्वर अ आ ई बड़ी ई उ री ए ऐ ओ अ। स्वरों के अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं, ये हैं अंग। यह अनुस्वार कहलाता है, इसका नाम है अनुस्वार। अंग यानी अनुस्वार का चिन्ह होता है, जैसे जंगल, मंगल, अंगूर आदि, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर हम एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, ये है अंग। और इसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसका चिन्ह आपके सामने दिया हुआ है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी। तो ये हो गया जंगल, मंगल, अंगूर आदि। अब है अह। इसे विसर्ग भी कहते हैं, यानी ये जो अ के बगल में दो लगे हैं इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसका उच्चारण अ के बाद होता है, यानी अह। व्यंजन और अथवा किसी अन्य स्वर के संयुक्त प्रयोग के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी आवाज ध्वनि ह की तरह होती है। अह का चिन्ह ये है, जैसे पुनः, अतः, प्रातः आदि। जैसा कि आप मेरे उच्चारण से समझ पा रहे होंगे कि इसमें जैसा बताया गया है कि अ के बाद ह की ध्वनि की तरह होता है ये विसर्ग, जिसमें हम अ के बाद दो बिंदुओं का प्रयोग कहते हैं करते हैं, इसे विसर्ग भी कहते हैं। अह को विसर्ग भी कहते हैं और इसकी ध्वनि जो है ह की तरह होती है। तो जिस भी शब्द में हम ये चिन्ह लगाते हैं उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पू और न लिखा है तो इसके बाद विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा पुनः। अत लिखा है, इसके बाद हम ये विसर्ग का यानी अह का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा अतः, प्रातः आदि। इसके बाद है अ चंद्रबिंदु, यह अनुनासिक कहलाता है। इसका चिन्ह जो है शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु के समान होता है और उसमें एक बिंदी होती है, जैसे मुंह, अंगूर, दांत, पांच आदि। यह अनुनासिक कहते हैं इसे। इसका चिन्ह जो है शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र और उसमें बिंदु होता है, जैसे मुंह, अंगूर, दांत, पांच आदि। तो हमने पढ़ा स्वर जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और संख्या में 11 होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि स्वरों के अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं, जो हैं अंग, अह और अ, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। और इनके चिन्हों के बारे में भी आपने समझा। अनुस्वार में अ के ऊपर एक छोटी बिंदी रहती है, ये अनुस्वार है। अह है और इसमें अ के ऊपर एक चंद्र बिंदु रहती है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं।
तो अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, तीनों के चिन्हों में बहुत ही अंतर है, जिसमें अनुस्वार में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी, विसर्ग में अ के बगल में दो बिंदियां और अनुनासिक में अ के ऊपर अर्धचंद्र और एक बिंदी रहती है। तो